सर लोक अदालत का शुभारंभ था, कितने मामले आए और कितनों का निस्तारण हुआ, कितने पेंडिंग रहे सर? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा के निर्देशन में और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री अश्विनी कुमार त्रिपाठी फर्रुखाबाद के निर्देशन में एक राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर 2022 को आज संचालित किया गया। कितने मामले सर आए थे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में? पहली बार कंज्यूमर फोरम के भी केसेस शामिल किए गए थे, MSCT, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, फैमिली कोर्ट्स जी, और तमाम तरह के पेटी ऑफेंसेस, कंपाउंडेबल केसेस, IPC के कंपाउंडेबल केसेस, इन सबों को शामिल किया गया था, जिसमें कुल मिला के 164,674 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें 8,72,52,810 रुपये की वसूली की गई। विदित हो कि पिछले बार 1,43,000 का निस्तारण इस जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में यह हुआ था, और इस बार हम लोग लगभग 19-20,000 उससे ज़्यादा का हम लोग निस्तारण कर पाए। इसमें सभी न्यायिक अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का काफ़ी सहयोग रहा। डीएम फर्रुखाबाद श्री संजय कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक महोदय भी का पूरा सहयोग रहा। जितने भी तामिला थे उनके संबंध में उन्होंने पूरा सहयोग दिया, इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनके आभारी हैं। और इस तरीके से प्रशासनिक एवं न्यायिक विभाग ने मिलकर यहाँ पिछले बार से अधिक कुछ मामलों का निस्तारण, कुछ मामले पेंडिंग भी रहेगा सर? पेंडिंग है, चिन्हित काफ़ी किए गए थे, लेकिन तामिला जितने भेजी गई थी उतनी ना होने की वजह से कुछ पेंडिंग जरूर है। निश्चित है जो उसको प्राथमिकता के आधार पर हम लोग अगली बार उसका निस्तारण करेंगे। ठीक है सर।